When I talk about the Matrix, I'm talking about the systems which have been created by society, which are deliberately designed to enslave. Matrix is trying to control your mind. They're very good at it. इनमें से ज्यादातर लोग सच का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। वो इतनी बुरी तरह से फंस गए हैं कि इसे बचाने के लिए हमसे लड़ भी सकते हैं। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना नहीं हो? जब तक तुम सपना देखते हो सब कुछ हकीकत लगता है ना, लेकिन जागने के बाद ही महसूस होता है कि कुछ तो गलत था। What if you woke up one day and discovered that what you thought was reality is actually a simulation, a very complex, sophisticated illusion? कहीं ऐसा तो नहीं कि देखने में असली लगने वाली ये चीज असली है ही नहीं? हमारी इस कायनात की तख्लीक के हवाले से साइंस में जो थ्योरी सबसे ज़्यादा मशहूर है उसे द बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है, जिसके मुताबिक आज से तकरीबन 13 बिलियन साल पहले जब वक्त और कायनात कहीं मौजूद ही नहीं थी तो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसके नतीजे में हमारी ये कायनात वजूद में आई। लेकिन चूंकि ये वाकया इतना पुराना है कि इसके दुरुस्त होने को लेकर कई शकूक व शुबहात पाए जाते हैं, यही वजह है कि साइंसदान कायनात की तख्लीक को लेकर कई दूसरे नज़रियात को मानते हैं। उन्हीं थ्योरीज में एक नज़रिया सिमुलेशन थ्योरी है, जिसे आज मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है। सिमुलेशन के लुगवी माने बनावटी या नकली है, लेकिन इसका इस्तेमाल हकीकत के करीब तरीन होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिमुलेशन के इस नज़रिए का ताना बाना कई हज़ार सदियां कबल कदीम यूनानी फ़लसफ़े से जा मिलता है, जिसे स्केप्टिक फ़िलोसफ़ी कहा जाता है, जिसका बानी 360 कबल मसीह में पायरो नामी फ़लसफ़ी था। दरअसल बहुत सारे माहरीन फलकियात और साइंसदानों का मानना है कि हमारी ये दुनिया एक बहुत बड़ा कंप्यूटर प्रोग्राम के तहत चल रहा है, जिसे हम गलती से हकीकत समझ बैठे हैं, क्योंकि हम जो कुछ भी देखते, सुनते, चखते या महसूस करते हैं वो तमाम के तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की सूरत में पहुंचता है। और साइंसदान ये साबित कर चुके हैं कि इल्यूज़न के ज़रिए दिमाग को गलत सिग्नल भेजकर इसे धोखा भी दिया जा सकता है। लिहाजा ये बात भी मुमकिन है कि जिस दुनिया में हम इस वक्त जी रहे हों वो भी महज एक नज़र का धोखा हो। इस बात को मज़ीद आसानी से समझने के लिए ख्वाब की मिसाल दी जा सकती है। जब हम ख्वाब की हालत में किसी और दुनिया में खौफ, खुशी, दर्द या डर की कैफियत को महसूस कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम उसी ख्वाब को सच मान रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये ऐन मुमकिन है कि हम इस दुनिया में जो हैवानात, मकानात, दरख्त, पहाड़, नदियाँ, बारिश, बिजली और जो कुछ भी देख रहे हों वो हकीकत में मौजूद ही ना हो, बल्कि ये हमारे किसी ख्वाब का हिस्सा हो। और जब हम नींद से बेदार होंगे तो ये दुनिया वैसी नहीं होगी जैसी हम इसे इस वक्त देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं। हकीकत को शक की निगाह से देखे जाने का ये नज़रिया ज़माने कदीम से ही रोम, यूनान, मगरिब, अरब और हिंदुस्तान में मौजूद था। लेकिन सिमुलेशन थ्योरी का बाकायदा आगाज़ साल 2003 में निक बोस्ट्रॉम के एक रिसर्च पेपर से हुआ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इस प्रोफेसर ने एक आर्टिकल में ये ख्याल पेश किया कि अगर हमारे इस कायनात में टेक्नोलॉजिकल एडवांस सिविलाइजेशन अरसा दराज से मौजूद हैं और वो सिमुलेशन कंप्यूटर भी चला सकते हैं तो फिर इस दुनिया में बेशुमार सिमुलेटेड रियलिटीज़ होनी चाहिए जिसके किरदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हामी होंगे, जो खुद ये नहीं जानते होंगे कि वो एक गेम के अंदर मौजूद हैं। ये किरदार मुमकिना तौर पर हमारी तरह ही दिखते होंगे। बोस्ट्रॉम के मुताबिक अगर एलियंस सच में वजूद रखते हैं तो हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दरअसल डिजिटल वर्ल्ड में सिमुलेशन एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिससे हम कोड्स के ज़रिया एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जो बिल्कुल हकीकी लगे, जिसकी मिसाल ऐसी वीडियो गेम्स हैं जिसमें हम जो चाहे वो कर सकते हैं और जिसे चाहे उसे मार सकते हैं और जहां चाहे वहां जा सकते हैं। इसे हम रियल वर्ल्ड सिमुलेशन कहते हैं।
यही वजह है कि जदीद दौर के ज़हीन तरीन लोग इस सिमुलेशन थ्योरी के हामी हैं और वो साइंसदान इस नज़रिए के हकीकत को जांचने के लिए पे दर पे तजुर्बात कर रहे हैं, जिसमें स्पेस एक्स कंपनी के CEO इलॉन मस्क, मशहूर ज़माना एस्ट्रोफिजिस्ट नील डी ग्रास टाइसन और इस सदी का सबसे बड़ा साइंसदान स्टीफन हॉकिंग भी शामिल है। एलॉन मस्क का कहना है कि हम हकीकत में मौजूद हैं इस बात के इम्कानात अरब में 1% है। अगर टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट के किसी भी मियार को बरकरार रखा जाए तो वो वक्त दूर नहीं जब गेम्स और रियलिटी में फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा। जबकि नील डी ग्रास टाइसन का कहना है कि थ्योरी ऑफ सिमुलेशन के दुरुस्त होने के इम्कानात 50% से भी ज़्यादा है। मैं चाहता हूं कि इस मफरूजे के रद्द में एक मजबूत दलील ले आऊं, लेकिन मैं ऐसी कोई दलील तलाश नहीं कर पाता हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और कंप्यूटर मॉडलिंग में होने वाली तेज़ रफ्तार तरक्की ने इन इम्कानात को भी जन्म दिया है कि अनकरीब हम इंसान ऐसी सिमुलेशन बनाने में कामयाब हो जाएंगे जो इंतहा दर्जे की हकीकी दिखाई देगी और जिसके किरदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के हामी होंगे। ये इम्कानात हमारे लिए हौसला अफजा भी है और परेशान कुन भी हैं। ये इम्कानात जहन को थका देने वाले कुछ नए सवालात को जन्म देते हैं। मसलन, क्या हमारे सिमुलेशन को बनाए जाने वाले ये बाशऊर किरदार खुद से अपनी कोई सिमुलेशन भी बना लेंगे जिसके किरदार खुद भी बाशऊर होंगे और फिर वो किरदार भी मज़ीद सिमुलेशन को तख्लीक करेंगे और सिमुलेशन दर सिमुलेशन का ये सिलसिला मुसलसल चलता रहेगा। अगर ऐसा है तो जिस सिमुलेशन का हम हिस्सा हैं, क्या इसके डिज़ाइनर भी खुद किसी दूसरे सिमुलेशन के फर्जी किरदार हैं? अगर ऐसा ही है तो इस तमाम तर सिमुलेशन का वो इब्तदाई हिस्सा कौन सा है जिसे हकीकत कहा जा सकता है? क्या ये हकीकत वही ज़ात तो नहीं जिसे आसमानी मज़ाहिब खुदाए बुजुर्ग बरतर का नाम देते चले आ रहे हैं? यही वजह है कि कदीम फ़लसफ़ा और मज़ाहिब में इस सिमुलेशन थ्योरी को मुख्तलिफ नामों से मौसूम किया जाता रहा है। मसलन, हिंदू धर्म के पुरानों और शास्त्रों में माया का जिक्र मिलता है जिसे एक हसीन औरत की शक्ल में पेश किया जाता है। उपनिषद के मुताबिक माया जाल इस कायनात के खालिक की एक तख्लीक है जो इंसानों की आजमाइश के लिए इस दुनिया में फैला दी गई है और जो कोई शख्स भी इस माया जाल में फंस जाता है इसे कभी मोक्ष नहीं मिलती। माया दरअसल लालच, शोहरत, ख्वाहिश और दूसरे बहुत सारे शक्लों में हमें इस दुनिया में फंसा देती है और हम सच्चे खुदा को भूलकर इस दुनिया को ही हकीकत समझ बैठते हैं। इसी तरह अगर गौतम बुद्ध के तालीमात को देखें तो बुद्ध के मुताबिक इंसान का दरअसल कोई वजूद नहीं, वो दुनिया को जिस शऊर के ज़रिया महसूस करता है दरअसल वही शऊर उसे धोखा देती है और जब तक इंसान शऊर के इस धोखे से नहीं निकल सकता उसे निर्वाण नहीं मिल सकती। वहीं दीन इस्लाम के अंदर सिमुलेशन के इस तस्वुर को नहायत ही साफ अल्फाजों में बयान कर दिया गया है। कुरान मजीद में अल्लाह ने इस दुनिया को सिर्फ एक धोखा और खेल तमाशा करार दिया है। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने दुनिया को एक फना हो जाने वाला फरेब और ख्वाब करार दिया है, जबकि तसव्वुफ और तरीक़त में वहदतुल वजूद का नज़रिया सिमुलेशन थ्योरी से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, जिसमें अहले सूफिया दुनिया के वजूद से ही इनकार करते हैं और सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात को हकीकत मानते हैं। इस बारे में मौलाना रूमी, जामी और शेख इब्ने अरबी की तहरीरें नहायत ही दिलचस्प हैं। बहरहाल ये दुनिया हकीकी हो या सिमुलेशन, बिल आखिर हमें अल्लाह की तरफ ही जाना है और अगर सिमुलेशन के इस तसव्वुर को सच मान भी लिया जाए तो बहसियत मुसलमान हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इन तमाम तर प्रोग्राम का खालिक और डिज़ाइनर सिर्फ़ और सिर्फ़ खालिक हकीकी अल्लाह अज़्ज़ा व जल है।